हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉन पोलर कैपेसिटर्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि नॉन पोलर कैपेसिटर्स क्या होते हैं, इनका सर्किट में क्या काम होता है, हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। ये सारी बातें मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट में कुछ ऐसे कैपेसिटर्स यूज़ हो रहे होते हैं जिनमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल नहीं रखना पड़ता, यानी कि एक डायरेक्शन में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं और दूसरी डायरेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों डायरेक्शन में हमारा कैपेसिटर सेम एज इट इज़ काम करता है। तो ऐसे कैपेसिटर जिनके अंदर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का खास ख्याल ना रखना पड़े, या फिर ऐसे कैपेसिटर जिनके ऊपर हमें कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव का निशान देखने को नहीं मिलता, वो कैपेसिटर हमारे नॉन पोलर कैपेसिटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो नॉन पोलर कैपेसिटर्स की भी बहुत सी टाइप्स होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं ये, लेकिन होते नॉन पोलर कैपेसिटर्स ही। अब होता क्या कि कुछ कैपेसिटर्स होते हैं हमारे नैनो फैरिड वैल्यू में और कुछ कैपेसिटर्स होते हैं हमारे पीको फैरिड वैल्यू में। तो वैल्यू के अप और डाउन होने से इन कैपेसिटर का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। पीको फैरिड वैल्यू में जो कैपेसिटर्स पाए जाते हैं वो आपको कुछ इस टाइप के नज़र आते हैं, जिनको पीएफ कैपेसिटर्स भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।